अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन मिस्त्री में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है जी लेंटर स्लैब की रेत बजरी सीमेंट की कैलकुलेशन। एक वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने बताया कि 4 इंच स्लैब की कैलकुलेशन क्या होती है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि अगर 5 इंच लेंटर हो, 6 इंच लेंटर हो तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बहुत आसान सा फार्मूला लेके आया हूँ। इस फार्मूले के तहत अगर आपका लेंटर 6 इंच है, 5 इंच है, 7 इंच है, जितना भी है, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 इंच पर सैकड़ा की कैलकुलेशन करेंगे। 1 इंच पर सैकड़ा मतलब 1, 2, 4 के हिसाब से अगर एक लेयर कंक्रीट की डाली जाए तो कितने फुट बजरी और रेत लगती है। 6 फुट हमारे पास, 6 फुट क्यूबिक फुट बजरी लगेगी, 3 क्यूबिक फुट रेत लगेगी और 1.75 बैग यानी 1.25 बैग हमारे लग जाएंगे 1 इंच की लेयर 1, 2, 4 के हिसाब से पर 100 स्क्वायर फुट में डालें तो ये लगेगी। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 6 इंच का लेंटर। अब आपके लेंटर की पैमाइश जो स्लैब की मोटाई है वो 5 इंच है, 4 इंच है, उस हिसाब से आपने कर लेनी है। मेरे पास लेंटर की कैलकुलेशन, लेंटर की जो स्लैब की मोटाई है वो है 6 इंच। अब मैंने 6 इंच को ज़रब देना है 6 के साथ, तो मेरी 36 फुट पर सैकड़ा बजरी लगेगी। 6 इंच मोटाई है, इसको मैंने ज़रब देना है 3 के साथ, 18 फुट हमारी रेत लग जाएगी। 1.75 1.25 बैग्स के साथ ज़रब देना है 6 को, तो हमारे पास 10.5 बैग यानी 10.5 बैग सीमेंट के लग जाएंगे। ये 1 इंच की और ये हमारे पास 6 इंच मोटाई और 100 स्क्वायर फुट की कैलकुलेशन। अब आपको बताता हूँ कि टोटल पैमाइश की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक छत है 1000 फुट, उसे मैं तकसीम करूँगा, उसकी जो पैमाइश है वो 1000 फुट है, इसको तकसीम करूँगा 100 के साथ, तो मेरे पास सैकड़े निकलेंगे। मेरे पास सैकड़े निकले हैं 10। अगर आपकी कैलकुलेशन, आप अपनी टोटल कैलकुलेशन को, पैमाइश को 100 के साथ तकसीम करेंगे तो आपके सैकड़े निकल आएंगे। सैकड़े इट मीन्स 10 सैकड़े, मतलब आसान लफ्ज़ों में 10 दफ़ा 100 स्क्वायर फुट। अब इस 10 को हम ज़रब देंगे 36 के साथ, तो हमारी 360 फुट बजरी लगेगी 6 इंच के स्लैब पे। 180 फुट हमारी रेत लगेगी। हम इस 18 को 10 के साथ ज़रब देंगे, हम 10 को ज़रब देंगे, हमारे पास 10 सैकड़े हैं, 10 को ज़रब देंगे 10.5 के साथ, तो हमारे 105 बैग सीमेंट के लगेंगे। अब आपकी अगर स्लैब की मोटाई है 5 इंच, तो आप इसे ज़रब देंगे 5 को ज़रब देंगे 6 के साथ। अगर 4 इंच है तो 4 को ज़रब देंगे 6 इंच के साथ। ये था एक आसान सा फार्मूला लेंटर स्लैब की कैलकुलेशन का। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।